हाँ जी, तो बच्चों आज की क्लास में हम आपको बजट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाले हैं जो कि है डिवीजन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एलिमेंट एंड वेरिएबल एलिमेंट। चलिए जी, हम एक काम करते हैं, पहले आपको नोट लिखवा देते हैं। तो सभी बच्चे पहले हमारे साथ आज का कंसेप्ट नोट करेंगे। चैप्टर चल रहा है बजटरी कंट्रोल, और बजटरी कंट्रोल में आज हम आपके साथ जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है सेग्रीगेशन, मतलब डिवीजन, मतलब ब्रेकअप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट। तो हम एक काम करते हैं, आपको पहले एक एग्जाम्पल रीड करवा देते हैं बुक का, और फिर उसी की हेल्प से आपको सिखाएंगे। ठीक है सर, तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बुक का एक क्वेश्चन दिखाते हैं, और ये हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 11.14, और यहां लिखा है द बजट मैनेजर ऑफ जेपी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द अकाउंटिंग ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। यहां पर करेक्शन है, 18 अप्रैल लिखा है तो हमने उसे 1 अप्रैल कर दिया। द कंपनी प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ कंपोनेंट नेम पी के। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 7 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर इज 2 रुपीज 50 पैसा पर आर एंड रिक्वायर्स 1.60 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ पी के। सेल्समैन आर पेड कमीशन ऑफ 1 रुपी पर यूनिट सोल्ड। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 85,000 पर ईयर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैज बीन एस्टिमेटेड इन द फॉलोइंग अमाउंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एंड वॉल्यूम्स। बेटे अगर आप ऊपर का पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो वहां लिखा था मटेरियल कॉस्ट विच इज वेरिएबल, लेबर कॉस्ट विच इज वेरिएबल, और लिखा था सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विच इज फिक्स्ड। तो ऊपर पैराग्राफ में कोई भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। आउटपुट दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में 1,20,000 और दूसरे कॉलम में 1,50,000। नाउ एक्सपेंसेस की बात स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस में लिखा है इनडायरेक्ट मटेरियल 120 यूनिट्स पर है 2,64,000, और 150 पे हो गया 3,30,000। नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, क्या मेरी कॉस्ट दोनों लेवल पर सेम थी? नहीं सर, पहले में 264 है, दूसरे में 330 है, इसका मतलब ये फिक्स तो हो नहीं सकती। नाउ सर क्या ये वेरिएबल है? मैंने कहा बेटे वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो सेम प्रोपोर्शन में वेरी हो। और सर सेमी वेरिएबल क्या होती है? तो सेमी वेरिएबल वो होती है जो वेरी हो लेकिन सेम प्रोपोर्शन में वेरी ना हो रही हो। तो सर पहले हम चेक करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल को कि क्या ये वेरिएबल है, तो इसके लिए आइए चेक करते हैं। हमारी बुक कह रही है कि 2,64,000 की कॉस्ट है जब लेवल ऑफ आउटपुट है 1,20,000, तो डिवाइड करो 120 से और मल्टीप्लाई कर दो 150 से, तो सर ये मैच कर रही है। इसका मतलब मेरी इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल है। ठीक है सर, तो अब हम चेक करते हैं दूसरी कॉस्ट को, इनडायरेक्ट लेबर को चेक कीजिए। कैसे चेक करोगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इनटू 1,50,000।
187,500 मैच कर रही है। चलिए इंस्पेक्शन को चेक करते हैं। जब आउटपुट है 1,20,000 तो कॉस्ट है 90,000। कैसे चेक करेंगे, जल्दी से चेक करके मुझे बताइए। सर 90,000 की कॉस्ट थी जब हमारी 1,20,000 यूनिट्स बन रहे थे इनटू 150, 1,12,500। तो सर ये हमारी मैच कर गई, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इंस्पेक्शन, ये तीनों सेम प्रोपोर्शन में वेरी कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों वेरिएबल हैं। नाउ कम ऑन टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की कॉस्ट को चेक करते हैं, पहले है 84,000 और फिर है 1,02,000। तो हमने चेक किया 84,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 150, ये होनी चाहिए 1,05,000, लेकिन ये थी नहीं सर, ये तो थी 1,02,000। इसका मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी कर रही है लेकिन सेम प्रपोर्शन में वेरी नहीं कर रही है। इसका वजह है या इसका रीजन है कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है। इसका मतलब ये कि हम सबसे पहले अपना कंसेप्ट नोट करेंगे, लिखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब अगर हमारा आउटपुट बदलेगा तो ये वाली कॉस्ट बदलेगी, बट नॉट इन एग्जैक्ट और सेम प्रोपोर्शन एज टू चेंज इन द लेवल ऑफ वॉल्यूम। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेवल वन है और लेवल टू है, चेंज तो हुई लेकिन सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हुई। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो एलिमेंट हैं, एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। जो वेरिएबल वाला पोर्शन था वो तो चेंज हुआ होगा, लेकिन जो फिक्स्ड वाला पोर्शन था वो आपको पता है कि चेंज नहीं होता। तो इन दोनों का टोटल इंपैक्ट आने की वजह से इसमें चेंज हुआ लेकिन पूरा चेंज नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ना दो पार्टनर हैं, एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। वेरिएबल वाला तो चेंज कर जाता है लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि वो चेंज नहीं होती। इसीलिए अगर हम इनको टोटेलिटी में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ना तो पूरी तरह से फिक्स्ड है और ना पूरी तरह से वेरिएबल हुआ। रीजन उसके पीछे ये दो थे, तो हम इसे ब्रेकअप करेंगे। नाउ हाउ टू ब्रेकअप सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको ना ये तरीका सीखना पड़ेगा। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को ढूंढना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन आउटपुट या फिर चेंज इन क्वांटिटी। इससे आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। अब हम इसके लिए अपनी इलस्ट्रेशन का ही फिगर ले लेते हैं।
हमारी इलस्ट्रेशन में 1,20,000 और 1,50,000 इन दो लेवल्स पर मुझे कॉस्ट दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 84,000 और 1,02,000, और हम ये चेक कर चुके हैं कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम इसका ब्रेकअप करना चाहते हैं कि इसमें से वेरिएबल कितनी है और इसमें से फिक्स कितनी है। तो पहले आप फॉर्मूला लगाइए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसका फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन कॉस्ट तो 1,02,000, 1,02,000 माइनस 84,000 डिवाइडेड बाय, यूनिट्स की बात करें तो 150 की कॉस्ट ये है और 120 की कॉस्ट ये है, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगी 18,000 अपॉन 30,000, 0.6 पर यूनिट, 0.6 पर यूनिट हम, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी। यस 0.6, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई 0.6। नाउ तो 1,20,000 इंटू 0.6, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट थी यहां पर 72, और 150 इंटू 0.6 इसका मतलब यहां पर थी ये 90। अच्छा सर फिक्स कॉस्ट क्या होगी, तो आप टोटल कॉस्ट में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये 84,000 टोटल कॉस्ट, 72,000 वेरिएबल कॉस्ट, दैट मींस 12,000 मेरी फिक्स कॉस्ट, और ऐसे यहां भी चेक करेंगे तो ये आएगी। ये हमने इसका ब्रेकअप कर लिया। चलिए अब हम आपको फिर से दिखाते हैं, हमारे पास मेंटेनेंस के बाद आ रही है सुपरविजन कॉस्ट। अब सभी बच्चे मुझे चेक करके बताएंगे कि सुपरविजन उनके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है या वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। जब तक आप चेक करेंगे तब तक मैं ये फैक्ट्स नोट कर लेता हूं। 1,20,000 पर कॉस्ट है 198, और 1,50,000 पर कॉस्ट है 2,34,000। बताइए आपके हिसाब से वो वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो 1,98,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 150, अगर वो वेरिएबल होती तो यहां पर 247,500 होना चाहिए था। तो ये वेरी तो हुई है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में वेरी नहीं हुई, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, सेमी वेरिएबल। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को अलग कीजिए, क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन कॉस्ट 2,34,000 माइनस 1,38,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 माइनस 1,20,000, 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये हो गया 1.20 पर यूनिट। इसका मतलब इसमें वेरिएबल कंपोनेंट जो है 1.20 पर यूनिट है, और ये हो जाएगा 1,80,000। इसका मतलब फिक्स वाला एलिमेंट होगा बैलेंसिंग फिगर, तो 8 माइनस 4 4, 54,000, और यही आंसर मेरा यहां से भी निकल के आना चाहिए। दैट्स इट। तो ये आपने सीखा कि कैसे हम ब्रेक करते हैं बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जो बची हुई दो कॉस्ट हमें बताई गई हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन और इंजीनियरिंग सर्विस, ये दोनों की दोनों हमारी फिक्स कॉस्ट हैं क्योंकि दोनों ही लेवल पर ये सेम है। चलिए तो अब हम अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ साथ सभी बच्चे शुरू करेंगे,
बनाना इलस्ट्रेशन नंबर 11.14 महेश्वरी मित्तल पेज नंबर 457। हमसे कहा गया कि बजट बनाइए फॉर 1,40,000 यूनिट्स। तो हम बजट बना रहे हैं 1,40,000 यूनिट्स के लिए। सबसे पहले अब सर हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन ले, तो मुझे लगता है कि इसमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि जी डायरेक्ट मटेरियल, साफ साफ कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 7 रुपीज पर यूनिट। तो 7 रुपीज पर यूनिट है तो 140 का कितना हो गया, 9,80,000। फिर गिवन है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हमें गिवन है 2 रुपी 50 पैसा और एक यूनिट बनाने में लगेगा 1.60 पर आर। तो 2.5 × 1.6 4 रुपीज पर यूनिट। फाइव लैख 60,000 प्राइम कॉस्ट हो गई 15,40,000 रुपीस। दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अब मुझे ऐड करनी है अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में सबसे पहले मुझे दिया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये ना हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी। टू लैख 64,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 2.2 इंटू 1,40,000 3,08,000। फिर इनडायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 1.25 इंटू 140 175। फिर थी इंस्पेक्शन, और ये भी वेरिएबल थी, 90,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 0.75। वन लैख 5,000। उसके बाद थी मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस हमारी सेमी वेरिएबल थी इसीलिए हम इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, फिक्स्ड वेरिएबल। और हमने इसके लिए ऑलरेडी वर्किंग नोट बना लिया है, तो आप उसका रेफरेंस डाल देना। ये हमने वर्किंग नोट बना लिया है और इसमें हमारी फिक्स कॉस्ट है 12,000। फिक्स कॉस्ट को लिखेंगे सीधा 12,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट थी 0.6 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट है 0.6 पर यूनिट। तो 0.6 इंटू 1,40,000 84, और फिक्स कॉस्ट हमारी बन गई 12,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 यूनिट्स,
अगर आप निकालना चाहें तो 0.857 पर यूनिट आफ्टर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के बाद है सुपरविजन, इसका भी हमने ब्रेकअप किया था वेरिएबल पार्ट में और फिक्स पार्ट में। वेरिएबल पार्ट आया था 1 रुपी 20 पैसा पर यूनिट, और फिक्स पार्ट हमारा आया था 54,000। फिर था हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, ये हमारी फिक्स कॉस्ट थी। इंजीनियरिंग सर्विसेज 94,000, ये कहलाएगी हमारी वर्क्स कॉस्ट। थ्री लैख 8,000, 1,75,000, 1,05,000, 12,000, 84,000, 1,68,000, 54,000, 90,000, 94,000। इसमें ऐड कर देंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, जो कि हमें दिए हुए थे फिक्स्ड 85,000 और सेल्समैन कमीशन 1 रुपी पर यूनिट दी हुई थी 1,40,000, और ये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। ट्वेंटी सिक्स थर्टी प्लस एट्टी फाइव प्लस 1,40,000, 28,55,000। चलिए जी, ये हमने अपने पास कंप्लीट कर लिया 11.14। 11.16 हमने आपको होमवर्क में दिया था, और अब हम पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं 11.17। 11.17 में भी बेटे आपको यही वाला कंसेप्ट प्रैक्टिस करना है, यही सेम कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, गुड लक लिमिटेड इज करंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी। इन द पास्ट 2 ईयर्स लेवल ऑफ ऑपरेशंस वर 55%, 65% रिस्पेक्टिवली। प्रेजेंटली प्रोडक्शन इज 75,000 यूनिट्स। इसका मतलब 75% कैपेसिटी पर यूनिट्स बन रहे हैं 75,000। कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर। कॉस्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। क्या मैं यहां पर यूनिट्स बता सकता हूं? अगर यहां 75,000 है तो 65 में कितने होंगे? 75,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 65, तो 65% लेवल के लिए 65,000, 65,000, और अगर 85% के लिए चाहिए तो 85,000। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, चलिए मैं आपको लेबर कंफर्म करा देता हूं।
550,000 अगर 55% पर था तो 65 पर होना चाहिए 650। यस सर, 75 पे होना चाहिए 750। तो ये कैलकुलेशन करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वेरिएबल है या नहीं है। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स, 310,000 था 55% के लेवल पर, तो 65% के लेवल पर ये कॉस्ट होनी चाहिए 366,363। जबकि ये कुछ और है, इसका मतलब ये मेरा सेमी वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल है। सेलिंग ओवरहेड्स 320 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 65, 378, ये भी सेमी वेरिएबल है। इसका मतलब ये वेरिएबल और फिक्स्ड में ब्रेक होंगे, ये भी वेरिएबल और फिक्स्ड में ब्रेक होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मेरी सेम है। प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑन सेल्स फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटे ये आपकी वैल्यूज वेरिएबल या फिक्स्ड क्यों मैच हो रही थी? क्योंकि प्राइस पिछले 3 सालों से सेम चल रहा है। अगर प्राइस वेरी करेगा तो फिर आपको प्रपोर्शनेट चेंज करने के बाद प्राइस की भी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो ये कह रहा है कि आपको प्राइस की भी एडजस्टमेंट करनी होगी। हमने कहा ठीक है, कितना? कह रहे डायरेक्ट मटेरियल में 8% का प्राइस इंक्रीज होगा, डायरेक्ट लेबर में 5% का प्राइस इंक्रीज होगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5% इंक्रीज होगा, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 8% इंक्रीज होगा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 10% इंक्रीज होंगे, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स 15% इंक्रीज होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10% इंक्रीज होंगे। यानी प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन के बाद प्राइस का भी इफेक्ट लेना होगा। ये नई बात थी, कोई बात नहीं। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी, ऑल्सो एसरटेन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये हम पढ़ाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से काम करने को कह रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने को कह रहा है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि कॉस्ट को अलग अलग रखना, वेरिएबल कॉस्ट अलग और फिक्स कॉस्ट अलग। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, प्रेजेंटेशन कॉस्ट शीट वाला ना लेकर वेरिएबल और फिक्स्ड वाला लूंगा, क्योंकि मुझे आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूशन की भी बातें करनी है। ठीक है सर, आइए और हमारे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 11.17, पेज नंबर 460। इलस्ट्रेशन 11.17 पेज नंबर है 460, महेश्वरी मित्तल बुक, और हमें बनाना है बजट 85% लेवल पर। बजट फॉर 85% ऑफ लेवल, यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट्स आएंगी 85,000, पर्टिकुलर्स रुपीस। सर क्या हमें सेल्स गिवन है? तो सेल्स हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब कहीं से मर्जी उठा लीजिए, क्योंकि पिछले 3ों साल हमारी कॉस्ट सेम थी। तो मैंने 75% के लेवल पे चेक किया, मटेरियल की कॉस्ट है 15 लाख, यूनिट थे 75,000।
इसका मतलब ये 20 रुपीज पर यूनिट था लास्ट ईयर, और क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें 8% प्राइस का राइज हो जाएगा, तो सीधा 108% कर दो, 20 × 108%, 21.6, यानी अगले साल ये कॉस्ट आएगी 21.6 × 85,000, 18,36,000। उसके बाद था डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 7,50,000 की कॉस्ट है 75,000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट की कॉस्ट इससे निकलेगी, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000, 10 रुपीज × 105%, 10.50 × 85,000, 8,92,500। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना होगा, वर्किंग नोट नंबर वन। आइए जी, हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर वन, डिवीजन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। हमें दिया हुआ है कि 65%, 75%, 55%, तो हमें कोई भी दो लेवल चाहिए होते हैं, क्वेश्चन ने तो हमें तीन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं यहां पर 3,10,000, यहां पर 3,30,000, और यहां पर 3,50,000। चलिए जी, हम ऐसा करते हैं, इन दोनों लेवल्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट 3,50,000 माइनस 3,30,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम है 75,000 यूनिट्स और यहां पर वॉल्यूम है 65,000 यूनिट्स। तो ये आ गया आपका 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इसका मतलब 2 रुपीज पर यूनिट तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज पर यूनिट है, इसका मतलब यहां पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए 1,50,000, यहां होनी चाहिए 1,30,000, यहां होनी चाहिए 1,10,000, और फिक्स कॉस्ट हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो जिस भी लेवल पे आप कैलकुलेट करेंगे वो आपकी 2 लाख ही आएगी। ठीक है सर, तो ये हमने कॉस्ट निकाल ली 2 रुपीज पर यूनिट, तो ये हो गया 1,70,000। इसके बाद आ गया मेरा सेलिंग ओवरहेड्स, सॉरी सेलिंग ओवरहेड्स को चेक करते हैं, वर्किंग नोट नंबर टू, डिवीजन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। और बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां पर आप गलती कर गए, इसको आपने इंक्रीज नहीं किया। ओ यस, ये भी 5% इंक्रीज हो रही थी, तो ये 2 रुपीज 10 पैसा होना चाहिए था, आई एम सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 2.1 × 85,000, 178,500।
178,500 rupees. आइए जी, 65% लेवल, 75% लेवल, 55% लेवल और हमारी सेलिंग ओवरहेड्स गिवन है 320, 360 और 4 लाख. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो दिस माइनस दिस, 4 लाख माइनस 360 डिवाइडेड बाय 75,000 माइनस 65,000, 40,000 rupees फॉर 10,000 यूनिट्स, 4 रुपीज पर यूनिट. तो ये हम अगर निकाल लें 75,000 × 4, ये हो गया 3 लाख. तो फिक्स कॉस्ट मेरी आ गई 1 लाख. इसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा था कि हमारी सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8% इंक्रीज होगी, 108% हो जाएगी. तो 4 रुपीज इंटू 108%, 4.32 मल्टीप्लाइड बाय 85,000, 3,67,200. बस यही हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, इसका टोटल कर देंगे. टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18,36,000, 8,92,500, 1,78,500, 3,67,200, 32,74,200. नाउ फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन. फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाली थी 2 लाख. ये हमने निकाली थी 1 लाख. एडमिनिस्ट्रेशन की हमें गिवन थी 1,60,000. इंक्रीमेंट, फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट 10%, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 15%, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 110%. तो 2,20,000. चलो इनर कॉलम में लिख लेता हूं, 220, 1,15,000 और 1,76,000. टोटल हो गया 5,11,000, 32,74,200. टोटल कॉस्ट 37,85,200. एड प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट, 9,46,300.
सेल्स 37,85,200, 47,31,500। लीजिए, हमने बजट तो तैयार कर दिया, इसके बाद हमसे पूछा गया था स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लिया है उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी और बाकी बच्चे अभी से याद कर लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कहलाता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है प्रॉफिट। सेल्स ऊपर से लेंगे 47,31,500, वेरिएबल कॉस्ट ये रही 32,74,200, कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाएगा 14,57,300, माइनस फिक्स कॉस्ट 5,11,000, प्रॉफिट आएगा 9,46,300। तो हमने आपको अप्रोक्सीमेटली हर तरीके का क्वेश्चन करना सिखा दिया कि अगर दो लेवल्स दिए हों तो कैसे पहचानेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, कैसे उसको अलग करेंगे, और फिर अगर आपकी अलग हो गई तो हमने लास्ट क्लास में भी बजट बनाना सिखाया, आज की क्लास में भी सिखाया। अब आप अपने 10 ईयर पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सब आपसे बनेंगे, और अगर आपसे नहीं बनेंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करूंगा। तो हमारे हिसाब से बेटे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बजटरी चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। 10 ईयर पेपर लेके सॉल्व कीजिए, इन केस कोई इश्यू आता है तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।